वैज्ञानिकों के मुताबिक रूस ने जितनी तेजी के साथ वैक्सीन तैयार करने की घोषणा की है उसे लेकर संदेह उठ रहा है। ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर जैसे संस्थानों के वैज्ञानिकों का मानना है कि रूस के शॉर्टकट से सेहत का खतरा हो सकता है। इस वैक्सीन पर वैज्ञानिकों का तर्क क्या है? दरअसल वैक्सीन के मनुष्यों पर ट्रायल में कई साल लगते हैं, जबकि रूस ने ये 2 महीने से भी कम में कर दिया है। यूनाइटेड हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के सचिव एलेक्स अजर ने कहा, वैक्सीन का सुरक्षित होना सबसे अहम है, न कि सबसे पहले बनाना। ट्रायल के आंकड़े पारदर्शी तरीके से पेशेंट से उसकी सुरक्षा और असर का पता लगेगा। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के ग्लोबल पब्लिक हेल्थ लॉ एक्सपर्ट लॉरेंस गॉस्टिन ने कहा कि रूस के शॉर्टकट मारकर वैक्सीन लाने से वो कारगर नहीं होगी और न ही सुरक्षित। इधर WHO ने भी कुछ कहा है। WHO के प्रवक्ता तारिक जसारविक ने कहा है कि वैक्सीन को अनुमति देने से पहले असर और सुरक्षा को जांचा जाता है, इसके बाद ही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हालांकि पुतिन ने इस वैक्सीन पर कहा है कि ये वैक्सीन अच्छा असर करेगी, मजबूत इम्यूनिटी बनाएगी। वैक्सीन सभी सुरक्षा मानकों पर खरी उतरी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला .com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।